बीएसएफ के स्नाइपर्स नजर नहीं आते, इनविजिबल होते हैं, लेकिन दुश्मन की हर बारीक नजर पर, उसकी हर गतिविधि पर उनकी बारीक और पैनी निगाह होती है। हमारे साथ एम रविंद्रन जी है, सेकंड कमांड है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से स्नाइपर ट्रेनिंग होती है। सर, ये क्या कॉन्सेप्ट है और बीएसएफ इस पर इतना फोकस कैसे करता है? स्नाइपर जो बीएसएफ के लिए जो काम करने वाला है, जो फ्यूचर में यहाँ से ट्रेनिंग होने के बाद, सबसे पहले तो उसकी निशाना जो है अचूक होता है, काफ़ी लंबी दूरी से वो एम कर पाता है और उसको निशाने को हासिल करने से पहले उसकी ऑब्जर्वेशन यानी कि देखभाल करने की क्षमता, काफ़ी लंबे समय तक वो देखभाल करता है इलाके में और उसके बेसिस पे हमें जानकारी देगा और जानकारी और आगे हमारे टारगेट्स आइडेंटिफाई करना, इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो कमांडर है अपना प्रणाली बना लेता है। इसके अलावा ये दुश्मन के इलाके में नज़दीक से नज़दीक जा पाता है, अपने आप को छुपा लेता है और लंबे समय तक अकेले रहते हुए ऑपरेशन करने की क्षमता उसमें होती है। तकरीबन हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं 72 घंटे कम से कम अकेले रहकर वो ऑपरेशन के लिए रहे और उसके इन्फॉर्मेशन और उसके डिटेल्स के बेसिस पे आगे की प्रणाली बनती है। ये कोर्स अदरवाइज बड़ा फिजिकली टफ होती है, इतना आसान नहीं है आम आदमी के लिए, तो टफनिंग एक्सरसाइजेस चलती हैं और फिजिकली एज वेल एज मेंटली कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइजेस चलती हैं सो दैट उसकी फायरिंग टेक्निक सुधर जाए और बढ़िया हो पाए। और हमारा मोटो फाइनली हम हासिल करने की कोशिश करते हैं इनविंसिबल और इनविजिबल दोनों, मतलब वो बंदा दिखेगा नहीं लास्ट तक और एट द सेम टाइम कभी भी डिफीट होना उसके अपने आप के विचार में उसके दिमाग में कभी आएगा ही नहीं कि मैं डिफीट हो पाऊंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, बीएसएफ भी कुछ इसी अंदाज में और इसी भावना के साथ जो है सरहद की रखवाली करता है। कैसे जो स्नाइपर्स होते हैं ये 72 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार हो जाते हैं और आपको लगता है कि जो दुश्मन देश है वो इनको पहचान भी नहीं पाता, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता और हमारा जो भारत का जवान है बीएसएफ का वो अपनी भूमिका को जो है पूरी तरह से निभा देता है? ये ट्रेनिंग तो ऑफकोर्स पूरा काफ़ी लंबा चलता है, उसमें से हम काफ़ी चीज़ें सिखाते वक्त इसमें इंश्योर करवाते हैं कि ये 72 घंटा कम से कम अपने आप काबिलियत पे रह पाए। तो जो भी टास्क दिया जाता है उसके बेसिस पे अलग अलग होती हैं, तो कई बार इलाका अपना रहता है, कई बार दुश्मन का इलाका होगा या कई चीज़ें, बट जहाँ तक है अपने देश की रखवाली के लिए जो उसको करना होगा वो उसके टास्क के हिसाब से करता है एंड उसमें जब भी वो करेगा अपने आप को उसके रिवॉर्ड या कोई फ़ायदा उसके बारे में सोचेंगे नहीं और आम तौर पे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर में ये काम किसने किया है। इस मकसद को हासिल करने वाला स्नाइपर का नाम गुमनाम ही रहेगा और किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये गुमनाम जरूर है लेकिन देश के लिए बड़ा नाम और बड़ा पैगाम भी लेकर जाता है, हमारी सरहद को पार भी कर जाता है और दुश्मन देश की सीमाओं में जाकर वहाँ की जो अंदरूनी गतिविधियाँ हैं उस पर पैनी निगाह भी रखता है। शायद यही बीएसएफ की मूल भावना है कि सीमावर्ती इलाकों पर हमारे देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा दोनों को जिम्मेदारी के साथ निभाया जा सके और बीएसएफ के इस कैंपस में आकर हम खुद ब खुद आज़ादी की इस बेला में ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे देश के प्रति जोश, जुनून और जज्बा कभी कम नहीं होगा, बल्कि आने वाले कल में हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का युवा इसी तरह से बॉर्डर पर तैनात होगा ताकि सही मायनों में आजादी के 3 रंगों को परिभाषित किया जा सके। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP News, इंदौर।